सुनकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य जरूर होगा कि कोई यमराज से मिलकर भला कैसे लौट सकता है, लेकिन इस बात को सच बता रही है खुर्जा की 90 साल की एक बुजुर्ग। रिपोर्ट दिखाते हैं। वो यमराज से मिलकर लौटी है। चार आए बेटा। हाँ। मुझे भी आए चार। अब ये को बोलो चार बाबा कर रोज रोज कहीं ना आवे अब रहने। 90 साल की बुजुर्ग और यमराज की मुलाकात। मौत के 10 घंटे बाद वापस आ गई महिला की सांसें। नाम कैला देवी, उम्र 90 साल, गांव बगराई खुर्जा। दावा यमराज से मिलकर वापस लौट आने का। बड़ा गजब का मामला है ये। सुनने वाले सुनकर हैरत में पड़ जा रहे हैं कि 90 साल की एक बुजुर्ग ने यमराज से मुलाकात का दावा किया है। इस बात को वो खुद बता रही है। चार आए बेटा। हाँ। मुझे भी आए चार। अब ये को बोलो चार बाबा कर रोज रोज कहीं ना आवे अब रहने। जट बेटा को मैं दाढ़ी मारे मुझे छोड़ गए, दाढ़ी मारे छोड़ गए। हो सकता है इस पर आपको यकीन ना आए, लेकिन कैला देवी इसे बिल्कुल सच बता रही है। कहा जा रहा है कि 25 जुलाई की शाम को बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी, लेकिन मौत के 10 घंटे के बाद ही बुजुर्ग महिला की सांसें वापस आ गई। अब इस बात के बाद से लोग इस पर आपस में चर्चा करने में लगे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से बीमार कैला देवी तमाम कोशिशों, दवाओं और दुआओं के बाद भी 25 जुलाई को दुनिया से चल बसी। परिवार वाले मातम में थे, सबकी आंखें पनीली हो गई थी। एक तरफ अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई, शव को बर्फ पर भी रख दिया गया था, इंतजार सिर्फ रिश्तेदारों का था। लेकिन इस बीच 10 घंटे के दौरान कैला देवी के शरीर में फिर से जान आ गई। अम्मा ने फिर ये बताया कि चार आदमी आए थे, चार पांच, एक के हाथ में किताब थी, तीन जो करे ले चलो, एक जो करे जो छोड़ दो भाई इनका भी टाइम। अम्मा का मामला ये तक खत्म हो गई थी, वो सबके सर्वे सर बुला लिए। उसके बाद कुछ घंटे बाद इन्हें होश आया और बोली क्या है रहा मेरे की, तुम तो मर गई, कैसे बच गई? कि तीन चार आदमी आए यार, एक बोला कि अरे छोड़ दो, तीन बोले ले चलो, एक बोला कि छोड़ दो अभी कुछ दिन रहने दो। जिस शरीर को 10 घंटे पहले घर के लोगों ने शव मान लिया था, उसे आनंद फानन में अर्थी से उतारा गया। आश्चर्य तो है ही कि यमराज किसी को पहले इस लोक से लेकर चले जाएं और परलोक घुमाकर भूलोक तक फिर से छोड़ जाएं। शर्मा, बुलंदशहर, समाचार प्लस।